नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से जय माता की। मित्रों, अभी मोदी जी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उसके अंदर ये दावा कर रहे थे कि हम गरीबों के मकान बना के दे रहे हैं भारत में, और हमारा मकसद है सबका साथ सबका विकास। उसके अंदर 40 करोड़ बैंक खातों की बात कही मोदी जी ने, 20 करोड़ महिलाओं की बात करी कि मोदी जी ने हमने खाते खुले। मोदी जी ने यह नहीं बताया कि कितने खाते अभी चालू हैं, ये भी बताना चाहिए था। 50 ज्यादा लोगों के खाते बंद हो चुके हैं क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं है, और जो 500 रुपए या 1000 रुपए से उन्होंने खाते खुलवाए थे वो बैंक अपनी सर्विस चार्ज के अंदर पैसा खत्म कर दिया, यानी जीरो कर दिया है, वो बंद हो गए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री आवास जो अब नाम दिया है मोदी जी ने, इससे पहले इंदिरा आवास का नाम था। कभी कांग्रेस पार्टी ने विदेश में जाके कहा कि हम भारत के अंदर गरीबों को इंदिरा आवास मुहैया करा रहे हैं, कभी कहा? यह मोदी जी के मुख से ही सुन सकते हो, क्योंकि जिनके पास कोई अपना योजना, अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो इसी तरह की फालतू की जाके बात करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने एक बात और कोरोना वायरस को लेके कही कि हम पूरी दुनिया का शक्तिशाली देशों को मदद कर रहे हैं, मोदी जी मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों की मदद हम नहीं कर रहे हैं, ये भी कहना चाहिए था मोदी। सैनिटाइजर जानते हैं, खूब प्रचार हुआ हमारे भारत में कोरोना वायरस का मुफ्त इलाज, ये कहने के लिए है, टीवी चैनलों का एक सुर्खी है, दवा के पैसा लूटा जा रहा है। आपको सैनिटाइजर का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, कितने परसेंट मोदी सरकार सैनिटाइजर पे अब टैक्स लगा रही है, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए वीडियो को। कोरोना के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाई और पीपीई पर भी 12% जीएसटी, वेंटिलेटर पर 12% जीएसटी, सैनिटाइजर पर सबसे ज्यादा 18% जीएसटी ले रही है मोदी सरकार। कोरोना महामारी की दवाइयों को माफ करना तो दूर, भाजपा सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा कवच पर भी टैक्स लगा रही है। क्या सारे देश ऐसे ही लड़ रहे होंगे? इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से 4500 रुपए करवाई। देश को लूट कौन रहा है अब पता चल रहा है। एक सरकार पोलियो की दवाई फ्री की और पोलियो मुक्त देश बनाए। मोदी सरकार कोरोना आपदा में भी व्यापार करने से नहीं चूक रही है, फ्री की तो छोड़ो, टैक्स से भी नहीं चूक रही। कितना अंतर है कांग्रेस सरकार, यूं कहें कि यदि भारतीय जनता पार्टी के रामदेव बाबा उसके काले धन का सप्लायर है चुनाव के लिए, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, आपके होश उड़ जाएंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, दरअसल उसका असली चेहरा क्या है। और रामदेव बाबा जो अपने आप को संत महात्मा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ब्रह्मचारी, उसका करतूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बढ़ चढ़कर बोलने वाले बाबा रामदेव अब खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी के एक नेता के साथ ब्लैक मनी पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वाकया राजस्थान के अलवर में पिछले दिनों हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। सभा में बाबा रामदेव और अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी चांदनाथ मंच पर साथ मौजूद थे। उसी दौरान चांदनाथ ने बाबा से फुसफुसा कर कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में पैसों के लेन देन में बड़ी मुश्किल होती है। ये सुनकर रामदेव सकपका गए और चांदनाथ को हाथ मारते हुए कहा कि यहाँ ऐसी बातें मत करो, पागले हो क्या? इस दौरान रामदेव ने मंच पर लगे कैमरों और माइक की तरफ इशारा करते हुए चांदनाथ को चुप रहने को कहा।
रामदेव का इशारा समझकर चांदलाल भी फौरन चुप हो गए, लेकिन दोनों के बीच हुई बातचीत वहां लगे टीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आपने देखा इस वीडियो को? अस्पष्ट अस्पष्ट कहते हैं, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। आप सबको याद होगा 2013-14 में बड़े बड़े आंदोलन रामदेव बाबा ने किए भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, लेकिन वास्तव में काले धन के भंडार स्वयं रामदेव बाबा हैं। बाबले हो क्या? मंच पे ऐसी बात मत करो, साइड में करना, मैं कर दूंगा सब इंतजाम, यही कहने का मतलब है रामदेव बाबा का। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक वो कह रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को खेल रामदेव बाबा का? जितने भी पतंजलि के जगह जगह इनके शोरूम खुले हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रामदेव बाबा बीजेपी को जो यहां पे सेल होता है उसकी सप्लाई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में करती है, उसका मास्टरमाइंड यदि कहें तो रामदेव बाबा को कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही रामदेव बाबा हैं जो काले धन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन 2013 में करते थे, 12 में करते थे, कांग्रेस सरकार की बखियां उधेर के रख दी थी। आज एक बार भी काले धन के ऊपर सुनते हैं आप? स्विस बैंक का बड़ा हवाला दिया जाता था, प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, कभी आप प्रधानमंत्री के मुख से एक बार भी काले धन के विषय में सुनते हो? इसका मतलब है कि स्विस बैंक के अंदर जितना भी काला धन है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, और उसके आका यदि कहूं प्रधानमंत्री को तो कोई बुरा तो नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पता नहीं क्या क्या वादे इस देश की जनता से किए थे, गिनाते गिनाते सुबह से लेकर रात हो जाएगी लेकिन वो वादों की झड़ी खत्म नहीं होगी। इसलिए आप लोग समझिए कि काला धन का मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सपोर्टर है काले धन को, ये इनका एक मकसद है। और रामदेव बाबा का चाल चलित्र इस वीडियो में स्पष्ट नजर आया, और मैं खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जाए मेरे खिलाफ अदालत के अंदर, खुली चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को हो या रामदेव बाबा को हो, जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे रामदेव बाबा इस वीडियो के माध्यम से। यदि ईमानदारी से न्यायपालिका अपना काम करे तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो उनको रामदेव बाबा के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। यह वीडियो जगह जगह वायरल करूंगा मैं, और आप तमाम सोशल मीडिया वाले भाई से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो आप आगे बढ़ाने का काम करें और दिखाएं इनका चरित्र रामदेव बाबा का, ये ढोंगी बाबा का। हिंदू तब हिंदू खतरे में, आज हमारा देश आ गया है, ये सोचिए। और चुनाव के समय में बारीकी समझ लो भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो और उस पर अध्ययन करना। जिसकी भारत में 15-16% पॉपुलेशन है, वो चुनाव के समय में किसी मंदिर में मांस फेंक सकता है? थोड़ा सा सोचने की बात है, क्यों मांस फेंकेगा?
सोचिए कोई ये दिखाया जाता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी किसी मुसलमान ने, बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी मुसलमान ने, सिर्फ चुनाव में, सिर्फ चुनाव में, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो, सिर्फ चुनाव में, चुनाव के जब 2-3 महीने या 6 महीने रहते हैं तो ये आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है, इस पे कभी गौर किया है? चुनावी फायदा लेने के लिए, तभी तो हिंदू मुसलमान करेगा ना। और इससे लाभ मुसलमानों को होगा या है हिंदू पार्टी को होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को होती है? मुसलमान को क्या पड़ी है किसी आरएसएस कार्यकर्ता को मारने की चुनाव के समय में, या मुसलमान को क्या पड़ी है कि चुनाव के समय में किसी मंदिर में गौ का मांस फेंकने का या मस्जिद के अंदर ये सुगर का मांस फेंकने का? ये बारीकी बात बता रहा हूं, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं बताएगा, ये अध्ययन करने की बात है। इससे फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को, और ये खुद ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराते हैं, नाम देते हैं मुसलमान का, ये खुद हत्या कराते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी कराती है, आरएसएस कराता है, ताकि उसको वोट बैंक की राजनीति का लाभ मिल सके। अब उदाहरण आप लेना चाहेंगे, 2014 में चुनाव थे लोकसभा के, 2013 में लास्ट के अंदर दिसंबर या नवंबर में, मैं ध्यान से नहीं हूं, लेकिन जो गांधी मैदान में जो चुनावी रैली हुई थी आपको याद है, 14 बम फूटे थे, 14, कभी सुना है? 14 बम गांधी मैदान में पटना में फोड़े गए थे, और उसमें मरे थे कौन? सारे हिंदू मरे थे, और नाम क्या दिया गया था कि मोदी को मारने के लिए बम लगाया गया है। थोड़ा सा बात की बारीकी को आप समझिए, यदि मोदी को मारना होता तो मोदी जी के मंच के नीचे नहीं लगाता बम। आप तर्क समझिए, बम कहां फूटे थे? सारे जहां पब्लिक की भीड़ थी वहां पे बम फूटे थे, और वहां पे मंच से भाषण क्या दिया जा रहा था कि भैया पटाखे कम फोड़ो, और मोदी जी वहां मंच से क्या भाषण दे रहे थे, मैं मरने से नहीं डरता हूं। उसे पता था कि भैया मेरे नीचे कोई थोड़ी ना मंच के नीचे बम लगा हुआ है, बम तो हमने लगवाया हुआ है पब्लिक में। ये राजनीतिक चीजें समझने की जरूरत है। मैं जान रहा हूं क्या बोल रहा हूं, बहुत मिर्ची लगेगी भाजपा वालों को, हो सकता है कल मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये भाजपा को आरएसएस के लोगों को हजम नहीं होगा। अगर मेरी हत्या हुई तो समझ लेना मैं मरने से नहीं डरता हूं, डरता तो मैं बोलता नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या बोलता हूं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं, एक एक लफ्ज सोच समझ के बोलता हूं। मेरा काम है देश की जनता को जगाना, मेरा काम है, मेरा मकसद है आपको जगाना कि कैसे ये नेता अपनी दाल रोटी सेकने के लिए कैसे जनता को उपयोग करते हैं, कैसे अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाते हैं, इनका क्या जाता है? आगे नाथ ना पीछे पक्का, ये तो सत्ता के लिए आए हैं। देखो योगी आदित्यनाथ रंडुआ है, नरेंद्र मोदी रंडुआ है, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, राहुल गांधी, ये सब ने एक फैशन बना लिया है, शादी नहीं करना है, समझ दुनिया भर का लेंगे। नीतीश कुमार को ही देख लो बिहार में, जग जाहिर है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बिहार का चुनाव 2 महीने बाद है, मैं तो चुनाव आयोग से फिर प्रार्थना कर रहा हूं कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव का डेट आगे बढ़ाया जाए, जब वातावरण बढ़िया रहेगा तो चुनाव कराएं बिहार का। इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, मां भगवती आप सबको सतबुद्धि दे, सीताराम, जय हिंद।